हासिल करने के लिए ही शायद ममता राज में तुष्टिकरण हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसलिए क्योंकि ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है। लेकिन इसको समझिए क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं। दरअसल ममता के मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2012 की बात करती हूं। पश्चिम बंगाल में 2012 में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा मिला, ठीक है। फिर 30,000 इमामों को 2500 रुपए का महीना भत्ता देना जाना शुरू कर दिया गया। 15,000 मोअज्जिन ऐसे थे जिनको 1500 रुपए महीना भत्ता दिया गया। फिर आप अगला साल आ जाइए 2013 में। 2013 आते आते कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमामों का भत्ता रोक दिया और हाईकोर्ट ने भत्ते को बहुत भेदभाव वाला और फिजूल खर्ची बता दिया। और यहीं पर समझ आ जाना चाहिए कि कैसे उम्मीद की गई उस मुस्लिम वोटर से कि हम आपको लालच दें, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन इस वक्त मैं इस खबर पर बढ़ूं उसके पहले इस वक्त एक और अहम खबर बता दूं। किसान आंदोलन से जुड़ी जी हिंदुस्तान की जो मुहिम थी उसको बड़ी जीत मिली है। बदसलूकी पर किसान संगठनों ने माफी मांगी है। मीडिया से बदसलूकी करने पर ये माफी मांगी गई। आपको बता दें कि रिपोर्टिंग के दौरान बदतमीजी हुई थी और कई दिनों तक हमने इस मुहिम को चलाया। हम किसानों के साथ खड़े रहे, उनकी साथ, उनकी हर बात को हमने निष्पक्षता से दिखाया। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स के साथ, मेरे सहयोगियों के साथ बदतमीजी हुई तो हमने अपना स्टैंड लिया, हमने उसे भी दिखाया। क्योंकि हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम ये बता सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। और मीडिया का जो सरोकार है वो हमने निभाया। इस रिपोर्टिंग के दौरान जो बदतमीजी हमारे रिपोर्टर्स से हुई उसके लिए खेद जताया है, किसान संगठनों ने माफी मांगी है। एक थोड़े सारे तो माफी मंगना चाहते हैं जिहड़ा इत्थे प्रेस वाले नाल कोई बदसलूकी हुई है। असीं प्रेस दे विच भी सारे जथेबंदियां वल्लों असीं माफी मंगदे हां भी जिन्हें भी वह गलती की उहदी निंदा करदे हां ते अगे तो इहो जिहा कुछ ना होवे इहदा असीं प्रबंध करके रखांगे। देखिए हम लोग सिर्फ सियासत की बात नहीं करते हैं। अगर मैं इस स्टूडियो में आई हूं तो मैं आपके लिए आपकी बात बताने आई हूं, क्योंकि मेरे लिए आप अहम हैं, मेरे दर्शक, और मैं ईमानदारी से यहां खड़े होकर आपकी बात करूंगी। दरअसल जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी पर, दीदी पर तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप तो लगे ही हैं। लेकिन सवाल है कि इससे आम वोटर को हासिल क्या हो रहा है, आपको क्या हासिल हुआ है, जरा बताइए। जब आप ऐसे लोगों को वोट दें जो सिर्फ एक चश्मे से एक कम्युनिटी के लिए काम करते हो, बाकी भूल जाएं। याद कीजिए आप कि आपने जब कभी ऐसे किसी व्यक्ति को वोट दिया होगा आपने रिग्रेट किया होगा। मैं माधुरी कालाल कह रही हूं कि आप इस पर गौर जरूर करिए। बंगाल का चुनाव सामने है। दीदी पर जो आरोप लगते हैं तुष्टिकरण के वो क्यों है जरा समझिए कि इससे उनकी राजनीति से आम वोटर को हासिल क्या हो रहा है। एक तरफ तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर ने क्या पाया। अब आप ये भी समझ लीजिए, जिस मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं, जिस अल्पसंख्यक वोटर को वो अपना मानकर चलती है, उसको ममता बनर्जी ने क्या दिया है, जरा देखिए। बंगाल की जंग में ओएसी भाईजान से दीदी परेशान। बंगाल की सियासी जंग में ओएसी की एंट्री पर ममता दीदी आपे से बाहर हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के पैमाने पर देखा जाए तो ओएसी की तिरछी नजर दीदी के बर्दाश्त के बाहर है। सवाल है वो वोट बैंक जिसको साधने के लिए ममता दीदी ने क्या क्या नहीं किया। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को धमकाया। मुहर्रम को लेकर दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। मस्जिद के इमामों को 2500 रुपए महीने का वजीफा तक दिया। लेकिन सवाल यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण से मुस्लिम वोटर को क्या हासिल हुआ। ममता के ऐसे फैसलों से आम मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक जीवन में क्या फर्क आया। उल्टा उत्तर बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर और रायगंज, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा यानी 45-60% के बीच है, वहां आम मुसलमानों की हालत हुगली, हावड़ा और कोलकाता से अच्छी नहीं है, जहां उनकी आबादी 30% के आसपास है। ममता बनर्जी के लिए यही मुसीबत का सबब है कि उत्तर बंगाल में कम से कम 35 सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर बहुमत या उसके आसपास हैं। इन्हीं इलाकों में मुसलमानों की हालत ज्यादा खराब है।
इन्हीं इलाकों में ओवैसी ममता को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके हैं, इसीलिए यहां बीजेपी भी लगातार गोलबंदी करने में जुटी है। जाहिर है ये ममता के लिए वाकई परीक्षा की घड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या नहीं, इसका एक सिरा जो है, एक धागा जो है, वो घुसपैठियों के साथ भी जुड़ता है। ऐसा क्यों कह रही हूं समझिए जरा। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता की राजनीति में एक बड़ा तबका घुसपैठियों का रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि यही वोटर ओवैसी के आने पर बंगाल की सियासत का समीकरण बदल सकते हैं। ममता दीदी की राजनीति में एक बड़ा तबका मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ममता को घेरती रही है। ये तबका ममता का बड़ा वोटर है। धर्म के नाम पर यह हिस्सा बड़ी आसानी से ओवैसी की तरफ घूम सकता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 28% है, मतलब बंगाल की कुल जनसंख्या में 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी महज 19% थी। कई जिले बंगाल में ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बंगाल के 3 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है। जाहिर है ऐसे जिलों में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की खोज करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये जोखिम भरा भी है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कभी भी राज्य के पुलिसिया तंत्र को बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की इजाजत नहीं देती। तो खबरें और, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है मथुरा से, जहां बांके बिहारी मंदिर में मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें सचमुच हर किसी को चौंका रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जबरदस्त मारपीट हुई। पुलिस के सामने बांके बिहारी मंदिर में मारपीट की गई। वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है और ये परिसर इतना खूबसूरत है वृंदावन का, जहां उम्मीद नहीं की जा सकती कि क्यों यहां मारपीट की गई। यहां तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया।